अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता था कि हम लोग कल चले थे रहमान बाबा एक्सप्रेस से कराची से लेके भागलपुर के लिए। तो भागलपुर हमारी अराइवल ही ऐसे बुरे टाइम पे हुई कि जिसमें जो है हम बाकी का जो हमारा मामला था वो हम दिखा ही नहीं सके। लेकिन अभी हम लोग मौजूद हैं होटल में, तो अब हम भागलपुर से रवाना होने लगे मुल्तान के लिए और अब हम जाएँगे बायरोड। तो बाकी मोहसिन और उनको भी देख लेते हैं। देखें रूम में मोहसिन तैयार है। आए मोहसिन, कैसी रही नींद आपकी वो कुछ घंटों की? बहुत अच्छी थी यार, 2 घंटे भी मिल गए बहुत है। चलो ये भी अच्छी बात होगी। और फैजल भाई, अरे भाई को जो है ना ठंड लगी ज़्यादा। चलें अब वो कवर कर लिया सारा, चलें फिर चलते हैं आज। जी हम तो तैयार हैं, तो हम चलते हैं नीचे क्योंकि बस आ चुकी है, बस का इंतज़ार हो रहा है। आगे हम थोड़ा सा लेट थे तो सोचा यार थोड़ा सा इनको कहते हैं कि भाई वेट कर लो, हम बस अपना काम करके आ रहे हैं। तो अभी बस जल्दी जल्दी आगे नाश्ता किया है, नाश्ता करके जो है ना अब रवाना होंगे। से ही चलते हैं नीचे से। वो सामने हमारी बस है कोस्टर, तो इसी कोस्टर में सारे बंदे बैठ के जाएंगे। 30 बंदे टोटल। बस में बैठे हम लोग, अब चल रहे हैं भागलपुर से मुल्तान के लिए। अब मुल्तान पे जो हमारा इवेंट है और बहुत सारे उसका मैं आपके साथ जिक्र आगे जाके करूँगा। अभी तो है ना बस की इंजॉयमेंट है वो करते हैं, तो उसके बाद आगे फिर मिलते हैं आपका। ये है बस के कुछ हालात, ये सारे जो है ना एशियन मिलन कंपनी के इवेंट पे जा रहे हैं। कुछ कहेंगे आप? बाबर भाई जरा पीछे हाथ हिलवा दें, सबसे सबसे हाथ हिला दो भाई, सब हाथ हिला दो। चलो बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अभी हम लोग जो है मुल्तान की तरफ जा रहे हैं भागलपुर से बाय रोड, और आज की जो हमारी वापसी है वो है बहाउद्दीन ज़करिया पे। तो बहाउद्दीन ज़करिया जो कराची से मुल्तान की तरफ आ रही है वो अभी कोर्ट से मावा पास कर रही है, मतलब एक है अभी खानपुर से भी पीछे है वो, और तकरीबन लेट है 4 घंटे 45 मिनट। तो ये 4 घंटे 45 मिनट क्या मुल्तान पर पहुँचने के बाद गाड़ी हमारी डिले होगी या राइट टाइम जाएगी, ये तो देखना पड़ेगा। ये तो बाद में जाकर पता लगेगा जब गाड़ी मुल्तान पहुँचेगी। क्या हो सकता है आज की स्पेयर रेट मुल्तान से जो है बहुत ही ज़करिया के साथ लगा के रवाना किया जाए। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज हम मौजूद हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन पे, और जैसा कि आप सबको पता कि आज तारीख है हमारे पास 10 जनवरी 2024, और आपको पता लग गया होगा कि पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ साथ एशियन मिलन कंपनी एक न्यू प्रीमियम लॉन्च डाइनिंग कार का इंट्रोडक्शन करवाने जा रही है आवाम के दरमियान। तो वैसे तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो लाहौर में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आज ये मुल्तान इसका एक क्या कहते हैं इनाग्रेशन होगा, और आज इनाग्रेशन के बाद ये गाड़ी प्रीमियम लॉन्च जो कि डाइनिंग कार बनाई गई है नए तर्ज पे, उसको बहाउद्दीन ज़करिया में लगा के कराची के लिए रवाना किया जाएगा। और आज से ये वाली जो डाइनिंग कार है ये अब बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में डेली बेसिस पर चलती हुई दिखेगी, और इस डाइनिंग कार में 40 से ज़्यादा खाने मौजूद हैं जिसके अंदर बारबेक्यू भी होगा, फास्ट फूड भी होगा, उसके साथ साथ बटेरे भी होंगे, और भी बहुत बहुत आइटम्स हैं इसमें जो कि आप लोग बखूबी इंजॉय कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी मुनासिब है, चीज़ें मार्केट प्राइसिंग में जो हैं ऊपर हैं, तो उसकी वजह से इधर का जो मेन्यू है उसके अंदर भी वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत ऊपर लगेंगी, लेकिन जो क्वालिटी है खाने की वो काफ़ी प्रीमियम होगी। और इसका जो ट्रेन का अंदर का
बना हुआ है माहौल, वो भी काफ़ी प्रीमियम क्लास है, मतलब एक तरह से कह लें कि 5-स्टार होटल के तर्ज पर बनाया गया है। तो खाना के लिहाज से और अंदर का जो माहौल है उसके लिहाज से ये आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेगी, और आप लोग इस डाइनिंग कार में अपना खाना वगैरह भी खा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो जो लोग अपने घर से खाना बनवा के लाते थे, उसकी वजह ये थी कि हमारी जो ट्रेन के जो खाने थे उनका मैार इतना को ख़ास नहीं था, लोगों को पसंद नहीं आता था, वो भरपूर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते थे। लेकिन ये जो प्रीमियम डाइनिंग कार लगाई जा रही है प्रीमियम लॉन्च के नाम से, इसके अंदर वो तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी आके खाना खाएगा वो सारे जो है ना 10 out of 10 रेटिंग दे के ही जाएंगे। तो ये मेरे पीछे है प्रीमियम डाइनिंग लॉन्च की जो डाइनिंग कार है, ऐसे मिलियन कंपनी की तरफ से बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस के लिए लगाई जा रही है। अभी सजावट का काम जारी है इस ट्रेन का, जो है अभी फीता कट किया जाएगा, मतलब कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी है आज मुल्तान रेलवे स्टेशन पे, तो हम लोग उसी के लिए कराची से आए हैं। आज का इवेंट जो है वो एसएमएलएन कंपनी इस ट्रेन मतलब इस प्रीमियम लॉन्च को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे सेटअप किया गया है। तो चले आए, ये सेटअप भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेहमान हैं उनके बैठने का इंतज़ाम भी है, उसके साथ साथ बहुत से लोग जो है ना कराची से भी आए हैं, सारे यहाँ पे अपने वो ये गिने चुने चेहरे जो है ना हमारे पास आए यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे जो है ना सामने हमारे पास स्टेज से जाया हुआ, यहीं पे जो है ना मेन बंदे बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो कि आप लोग जो है ना एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज के साथ और आवाम के लिए। मैंने वो चीज़ देखी जब आपने मुझे वो वीडियो दिखाई, तो मैं देख के मैं हैरान था, मैं वाकई कहा कि ये पाकिस्तान रेलवेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी पहले, तो आप उसके बारे में मुझे बताएं कि ये आइडिया क्या, किस तरह से आप लोगों ने किया इसको? नहीं, आइडिया तो हमारा काफ़ी है, हम तो इसे रेलवे को और डिवेलप करना चाहते हैं, जहाँ तक हम कोशिश है हमारी इसे ऊपर से ऊपर ले जाएं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो ये शाहकार हमने बनाया है और आगे भी हमारी कोशिश है कि इसे बड़े बड़े शाहकार बनाएं। इंशाल्लाह सर, हम तो वेट करेंगे इसका, इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होता है, फिर आपको और चीज़ें भी नज़र आएंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, ज़रूर, क्यों नहीं, हम भी बस इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान रेलवे अब तो मॉडर्नाइज हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसे और भी मॉडर्न करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाहर से भी लोग आएंगे ट्रैवल करने के लिए। बस वेट ठीक हो गया सर, ये तो ओके की रिपोर्ट है। हाँ, बाहर के मुल्क वाले भी जो है ना हमें एग्जाम्पल देंगे कि पाकिस्तान की रेलवे यार है कि। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। बाकी अभी डाइनिंग कार की जो सजावट हो यहाँ चल रही है, ये भी अभी है काम इसका, वो उधर पर देखते हैं। हाँ जी, हम चलते हैं कोच के अंदर और जाके हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनसे इंटरव्यू करते हैं। ये है जी हमारी प्रीमियम लॉन्च डाइनिंग कार एसएमएल की तरफ से। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो हैदर साहब, आप सबको पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद कि आप लोगों ने ये प्रीमियम सर्विस लॉन्च जो है हमारी आवाम के लिए मुतारिफ़ करवाई है। तो इसके बारे में मेरे पास कुछ सवाल आते हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं तो आपसे इसके आइडिया के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये आइडिया आपको किस तरह से आया? ये जमील शाह जी का आइडिया है जो चेयरमैन है, और उन्होंने कहा कि हम ये डाइनिंग कार की फैसिलिटी एक पाकिस्तान रेलवे को रेलवे का एक प्लान था कि हमने डाइनिंग पॉलिसी बनानी है, उस डाइनिंग पॉलिसी के तहत जो है वो फिर जमील शाह जी इस डिज़ाइन को यूरोप की ट्रेन है उससे जो है इसको उस मॉडल के ऊपर इसको अपग्रेड कर दिया ताकि जो है लोगों को एक नई फैसिलिटी मिले। और इसमें सबसे बड़ा रेलवे का प्रॉब्लम उसमें ये था कि लोग खाना खाने से बड़े परेशान थे इतनी लॉन्ग जर्नी में। हमने कहा कि अच्छी एक प्रीमियम फैसिलिटी के साथ जो है हम इसको लॉन्च करें।
चले, ये तो अच्छी बात है। और उसके अलावा हमारे पास जब ये प्रीमियम डाइनिंग कार लॉन्च की गई है, मैंने लाहौर में इसका काफ़ी ज़्यादा देखा, लोगों ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट भी किया। बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरह की जो डाइनिंग कार है ये हमें मज़ीद ट्रेन में देखनी चाहिए, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, ये अब किसी के पास भी हो तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल अब सेट हो गया है। तो पाकिस्तान रेलवे का एक प्रोसीजर है जो पेपरा रूल्स के तहत वो बिडिंग प्रोसेस में जाते हैं, उसके बाद जो है वो किसी को अलॉट होती है और फिर उसने वैल्यू एडिशन करनी है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने वैल्यू एडिशन करनी है। तो जाहिर है अब बाकी ट्रेन्स की जब डाइनिंग कार्स आउटसोर्सिंग प्रोसेस में आएंगी और अगर हमारी कंपनी ने उसको विन कर लिया तो डेफिनेटली हम इस, ये मिनिमम लेवल हो गया, अब इसके बाद इंशाल्लाह इससे बेहतर ही गाड़ी आएगी, इस जैसी और इससे कम नहीं आएगी। चलें, ये तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो है ना आगे मजीद अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेंगी पाकिस्तान रेलवे से रिलेटेड। और इसके जो खाने का जो मयार है वो किस तरह का है? देखिए वो तो अब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन हमने बहुत अच्छा, और इसके किचन के अंदर ही सारी प्रिपरेशन है, सेमी कुक फूड आएगा और अंदर आपको सब चीज़ें मिलेंगी, तो वो मेयार को ही जो है वो बेहतर बनाना चाहा है। और ये फाइन डाइनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, रेलवे के अंदर फाइन डाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हैदर शाह साहब, आपका कीमती वक्त हमने लिया, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बड़ी तादाद में हैं, सबसे पहले महमूदुर्रहमान लाखू साहब का, उसके अलावा जो है जो प्रेसिडेंट साहब का, प्रेसिडेंट है शेख साहब, उनका बहुत शुक्रिया, और मीडिया का, ख़ास तौर पे जो कराची से ट्रैवल करके हैं यूट्यूबर्स, उनका के स्पेशलिस्ट ट्रेन की कवरेज के लिए मुल्तान आए हैं। कल थोड़ा सा आप सब लोग आए हैं, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 10 डेज हमारे से पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब हम आपको देते हैं इकट्ठे, ताकि सबके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो जाएं। जो डाइनिंग का सर्विस है पाकिस्तान रेलवे के सर बैठे हुए हैं और बहुत से लोग जानते भी हैं कि इसका तरीका कार ये होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट आती है पेपरा रूल्स के मुताबिक, इसका पूरा प्रोसेस होता है, बिडिंग प्रोसेस होता है, और उसमें जो हाईएस्ट बिडर होता है तो वो जो विन करता है फिर वो इसकी एग्जीक्यूशन करता है। दिस टाइम पाकिस्तान रेलवे केम अप विद न्यू, जो पूरी टॉप मैनेजमेंट है, कि हम जो है वो रवायती तरीके से डाइनिंग कार की जगह जो है वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो डाइनिंग कार को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो पाकिस्तान रेलवे के साथ की बिडिंग प्रोसेस पे के थ्रू एसडीमिल एंड कंपनी ने बहाउद्दीन जकरिया की डाइनिंग कार जो है एसी डाइनिंग कार विन की। विन करने के बाद वी प्रपोज दिस आइडिया सैयद जमील अब्बास नकवी साहब जो हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको स्पेशली पाकिस्तान रेलवे से जो है ना इश्क है, तो ही ऑलवेज वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू पाकिस्तान रेलवे। तो ही कम केम अप विद दिस आइडिया कि हम इस ट्रेडिशनल स्टाइल के बजाय जो है इसको सिर्फ अपग्रेड, हल्की पुल्की अपग्रेडेशन से काम नहीं चलेगा, एक कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे जो है वो पाकिस्तान रेलवे के भी पैसेंजर्स और अर्निंग का इजाफा हो, और एक जो मिसकंसेप्शन है ऑल ओवर द पाकिस्तान के, अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक जो है वो इमेज बिल्डिंग भी होगी। तो इसके अंदर जो है वो हमने एक तो इंटीरियर चेंज किया है, लेकिन इंटीरियर के साथ साथ सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाने की हमारा प्लान है, हमारा प्लान ये है कि अच्छा खाना दिया जाए और अच्छे खाने के अंदर मल्टीपल डिशेस दी जाए जो आज तक पाकिस्तान रेलवे में ड्यूरिंग द जर्नी ऑन द व्हील जो है वो अवेलेबल नहीं थी। स्पेशली अगर अब आजकल ट्रेंड है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का,
तो आपने कभी भी इससे पहले जितने भी मेजॉरिटी मेरा ख्याल है रेलवे में ट्रैवल किया होगा, फास्ट फूड कभी भी ट्रेन के अंदर नहीं बना, बारबेक्यू ट्रेन के अंदर नहीं हुआ, लाइव तंदूर जो है वो लग के फ्रेश आपको नान और रोटी कभी भी नहीं मिली। तो हमने 40 से ज़्यादा जो है वो आइटम्स जो एक किसी सिटी के अंदर रेस्टोरेंट होते हैं अच्छे, वो वाली सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर प्रोवाइड की। अगर मैं कुछ गिनवाना चाहूँ तो इसमें जो है बारबेक्यू में आपके पास जो है बटेरे बारबेक्यू में होंगे, तिक्के सीख कबाब, उसके बाद जो है पिज़्ज़ा आपके पास फास्ट फूड में पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविचेस, उसके बाद आपके पास कॉन्टिनेंटल के अंदर स्टेक्स अवेलेबल हैं, पास्ताज अवेलेबल हैं, और आपके जो है मतलब इस तरह करके 40 अराउंड 40 देसी खाने भी जिसको हम कहते हैं कि कीमा भी अवेलेबल होगा, इवन हलीम भी अवेलेबल होगा इसके अंदर, और आउट क्लास टेस्ट के साथ इंशाल्लाह ताला। डैनियल कार जो है प्रीमियम लॉन्च के नाम से सज चुकी है, यहाँ पे मुल्तान कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, और अब सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस के आने का। जैसे ही आएगी तो ये गाड़ी बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस के रेक में ऐड करके कराची के लिए रवाना की जाएगी, और आज हम इसी प्रीमियम लॉन्च के साथ कराची का सफ़र करेंगे। लें जी, मेहनत के बाद जो है ना खाना सर्व हो गया, तो खाते हैं खाना फिर। इसके अंदर समोसा है, एक चिकन पैटी है, उसके अंदर तिक्का बोटी वगैरह भी है, और जीरे वाले बिस्किट हैं। चलें एंजॉय करते हैं। मेरे बर्थडे यार छोड़ दो।